अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में कोरोना वायरस को लेकर बेहद गंभीर हालात हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मंगलवार रात को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लॉकडाउन में लोगों से सहयोग की अपील की। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार से इस संकट की घड़ी में गरीबों के लिए सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। उनकी इस मांग से पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार 20 लाख से अधिक गरीबों के खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफर कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता से इस लॉकडाउन में सहयोग की अपील की। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि आगे के सुखद भविष्य के लिए 21 दिन अहम है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सभी भेदभाव और मतभेदों को छोड़कर कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार रात देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन किया है। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रत्येक नागरिक को सभी भेदभाव और मतभेदों को छोड़कर कोरोना के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। ये 21 दिन भारत के सुखद भविष्य के लिए निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाएंगे। इसी के कारण अब तो जन जन से अपील है कि वो इस कार्य में जुटे, प्रत्येक व्यक्ति विभाग के साथ सहयोग करें। अखिलेश यादव ने अपनी सांसद निधि से आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए 1 करोड़ रुपया भी दिया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कोरोना वायरस के कहर से बचाव की खातिर 21 दिन के लॉकडाउन के बीच केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए आर्थिक मदद की मांग की। एक ट्वीट में मायावती ने कहा कि करोड़ों गरीब दैनिक मेहनत कश लोग भुखमरी जैसी विपत्ति का सामना कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर देश और उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त लॉकडाउन से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। उन्होंने कहा कि करोड़ों दैनिक और मेहनतकश लोग भुखमरी जैसी विपत्ति का सामना कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनकी तत्काल समुचित आर्थिक मदद करें। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने कहा कि BSP की अभी सामर्थ्यवान लोगों से विशेष अपील है कि वे लॉकडाउन में अति जरूरतमंद लोगों की भरसक मदद करने का पूरा प्रयास करें। लेकिन खास बात ये देखने को मिली कि मायावती ने लोगों से मदद करने की अपील तो की, लेकिन अपनी तरफ से अब तक मायावती ने मदद के लिए कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया है, जबकि छोटे मोटे विधायक, MLC और नेता लोगों की मदद के लिए आर्थिक ऐलान कर रहे हैं, लेकिन मायावती इस सब में पीछे दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।